की सरजमीन है, रवादारी की सरजमीन है। यहाँ के लोग रवादारी से रह रहे हैं और सालों से इस धरती पे जो उर्दू स्पीकिंग भाई हमारे आए इंडिया से, उनको भी इन्होंने अप्रिशिएट किया। तो आज जो है कुछ नाबालिग लोग मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे या किसी और प्लेटफॉर्म से ये कह रहे हैं कि भाई कराची हमको सुबह बना के दो, उनके लिए हमारा पैगाम सिंध ये है कि भाई ठीक है, हम रवादारी ज़रूर रखते हैं, हम अमन पसंद भी हैं, लेकिन बात यह है कि सिंध के जबहदत के सिलसिले में या किसी भी सिंध को टुकड़े बांटने की सूरत में वो हमारा दुश्मन है, जो भी बांटने की बात करेगा। सिंध हमारी माँ है और हम उर्दू वालों का भी अपना इस धरती का भाई समझते हैं, उनको भी ऐसे ही रहना चाहिए जैसे सराइकी बोलने वाले रहते हैं या बरोई बोलने वाले रहते हैं, सिंधी बोले हम सब सिंधी हैं। तो इस धरती को बांटने की जो भी बात करता है हम उसको यही कहेंगे कि ये धरती माँ है, इसको माँ बनाओ। आप खुश नसीब हो को आपको ऐसी धरती मिली है जहाँ हर चीज़ बड़े बड़े शहर सिंध के जो है वो आपके हवाले हैं।